तो आज के सेशन के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस। तो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस का काम क्या होता है, हम इनको क्यों यूज करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस एक्चुअल में करते क्या है, दे परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। यानी जब भी आप किसी भी तरह के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर जब आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं, चाहे वो आप सम कर रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू मालूम कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू मालूम कर रहे हैं, एवरेज है, काउंट है, तो आप जब अप्लाई करते हो तो वैल्यूज बहुत सारी होती हैं, आउटपुट एक आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 15 वैल्यूज हैं, अगर आप एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं सम, तो क्या करेगा, 15 वैल्यूज को जोड़ के एक ही आउटपुट दिखा देगा। इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू अगर मालूम करनी है तो आपको पता है एक्सेल के अंदर भी मैक्सिमम वैल्यू आपकी नंबर ऑफ वैल्यू से एक ही वैल्यू आती थी जो आपको बता देता है ये मैक्सिमम है। इसी तरह मिनिमम है, एवरेज है और काउंट है। अच्छा, सेकंड पॉइंट में क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन ओनली सिंगल कॉलम। यानी हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई नहीं कर सकते, हम सिंगल कॉलम पे ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सम करना है तो आप दो कॉलम को मिला के सम नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती है ना, और आपका दूसरा कॉलम अगर आप प्रोवाइड करोगे तो वो आपका अप्लाई उस पे नहीं होगा। थर्ड थिंग, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई एनी एग्रीगेट फंक्शन ऑन एनी कॉलम, देन इट्स मस्ट इंपॉर्टेंट दैट द कॉलम डेटा टाइप मस्ट बी एन इंटीजर। तो आप जब भी किसी भी तरह का एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे उसके लिए लाजमी है कि वो कॉलम इंटीजर डेटा टाइप का हो। कौन सा क्लियर हो गया? अगर फॉर एग्जाम्पल सम करना है, आप स्ट्रिंग वैल्यूज को सम तो नहीं कर सकते ना, काउंट करनी है, आपको कौन सी वैल्यूज काउंट करनी है, नंबर्स वाली, सही है? आपको पता होगा एमएस एक्सेल के अंदर भी काउंट सिर्फ डिजिट्स के लिए यूज होता था। अगर आपको कोई अल्फाबेट काउंट करना होता तो आप काउंट इफ यूज करते। कौन सा क्लियर हो गया? तो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस का काम क्या है कि आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के ऊपर ही अप्लाई करने, और आपकी मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, आउटपुट में आपको सिंगल वैल्यू देते हैं। अब इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो बढ़ते हैं हम डेटाबेस की तरफ और देखते हैं इसके अंदर हमारे पास। तो हमारे पास है सम। सम एक एग्रीगेट फंक्शन है जिसका काम क्या है, देखिए यहां पे इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स गिवन है कि आप इस तरह से इसको लिखेंगे कि सेलेक्ट, फिर आपको सम लिखना है, फिर उस कॉलम का नाम जिसको आपने सम करना है, उसके बाद आपकी कौन सी टेबल है बस वो बता देना है। तो उस स्पेसिफिक टेबल के उस स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज को ये क्या कर देगा, सम कर देगा। तो सबसे पहले हम यहां पे आते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट सम, टेबल के कॉलम का नाम है प्राइस, ठीक है? लेकिन इससे पहले आपको वो डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर ये टेबल पड़ी है। तो यूज 1807F जो हमारे डेटाबेस का नाम है, बेच 1807F। इस डेटाबेस को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उस कॉलम को डिफाइन करेंगे। टेबल का नाम क्या है, टीबीएल प्रोडक्ट्स। अगर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा दूं ये टेबल, कौन सा क्लियर हो गया? अब इसका एक ही कॉलम है जिसपे हमें क्या करना है, इसकी प्राइस को सम करना है। आपने इस तरह से लिखा फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टीबीएल प्रोडक्ट्स। तो ये क्या करेगा, आपकी टीबीएल प्रोडक्ट्स के नाम से जो टेबल है उसके कौन से कॉलम को सम कर लेगा, जिसका नाम है प्राइस। तो आप इस पूरी क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे और आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का सम मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज नजर आ रही है, नो कॉलम नेम। जाहिर है आपकी ये जो सम करके बताएगा वो एक अलग सेल में रखेगा, तो अगर आप चाहते हैं उसका कोई नाम हो तो हमारे पास एक होता है एज एलियास। यानी इसका ओरिजिनल नाम प्राइस है ना,
सही है, लेकिन किसी भी कॉलम का नाम चेंज करके या किसी कॉलम का अगर नाम नहीं आता तो अपने मर्जी से आप यहां पे बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एज उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर भी बता सकते हैं आप, वैसे आप इसके अलावा भी कर सकते हैं, टोटल सम ऑफ प्राइस इस तरह से लिखेंगे। ए सिर्फ आप ऐसा समझो कि किसी कॉलम का इज अ डुप्लीकेट नेम, यूजर को सिर्फ दिखाने के लिए काम आता है। अब आपको शो हो रहा होगा उसका नाम क्या है, टोटल सम ऑफ प्राइस, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का नाम यहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मर्जी से। आप एज एलियास को किसी दूसरे वे में भी यूज कर सकते हैं, लाइक अगर आपके किसी नाम में नंबर ऑफ क्या है, स्पेसिस है, जैसे आप स्पेसिस को इग्नोर करने के लिए यहां पर क्या लगा रहे थे, अंडरस्कोर लगा रहे थे, तो अब आपको अंडरस्कोर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये वाले ब्रैकेट दे देने और उसके बाद सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो ये भी एक ही बात, कौन सा क्लियर हो गया, कि आप अगर किसी भी तरह के कॉलम का नाम चेंज करके कोई और दिखाना चाहते हैं तो बेशक दिखा सकते। जैसे आपका ओरिजिनल नाम एडमिशन में कुछ होता है, आपको बुलाते घर पे कुछ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओरिजिनल नाम पे, तो टेबल के ओरिजिनल कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम हमारे पास एक्चुअल में क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मालूम करके दे देता है। मैं इसी को कॉपी करता हूं, यहां पर आते हैं और इसका नाम कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पे हमें सम नहीं, अब क्या लिखना है, मैक्स, बाकी एज इट इज क्यूरी यही रहेगी। एग्जीक्यूट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसी तरह यहां पे हमारे पास मिनिमम का भी काम यही है कि अगर आपको कोई सबसे छोटी वैल्यू चाहिए तो आप मिनिमम लिखेंगे और बाकी एज इट इज आपका पूरा क्यूरी का सेंटेक्स वही रहेगा, सिलेक्ट करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखें ये मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू ये है 21,000, कौन सा क्लियर हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और है एग्रीगेट फंक्शन जिसका नाम है एवरेज। आपको पता है एवरेज हमारे पास क्या करता है, आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी होती है उनको पहले जमा करता है और टोटल जो काउंट होता है वैल्यूज का उसके साथ हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 2000 एक वैल्यू है, 3000 एक वैल्यू है और 4000 एक वैल्यू है, तो इन सब का सम करेंगे, जो भी सम आता है टोटल सम कितना है 9000, तो 9000 के बाद आप डिवाइड कर लेंगे इसको 3 से, क्योंकि टोटल वैल्यूज कितनी है 3 है, तो आपको ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको एवरेज मिल जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके लिए हम डायरेक्ट क्यूरी लगा देते हैं क्योंकि अभी तो 3 वैल्यूज हैं, कल को 3000 हो तो आप एवरेज कैसे मालूम करेंगे, सही है। एवीजे लिखेंगे कि आप एवरेज मालूम करना चाहते हैं और यहां पे आके आप लिखेंगे एवरेज वैल्यू, सेलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको एवरेज वैल्यू ये मिलेगी, कौन सा क्लियर हो गया। इसी तरह हमारे पास एक लास्ट जो है वो फंक्शन है जिसको हम कहते हैं काउंट। काउंट हमारा एक एग्रीगेट फंक्शन है जो सिर्फ आपके नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करके बता देगा कि कितनी प्राइसेस हैं या कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। यहां पे आप लिखेंगे काउंट, काउंट ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ जो है वैल्यूज कितनी है, तो ये बता रहा है 5, कौन सा क्लियर हो गया। तो हम इस तरह से किसी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हैं और ये हमारे पास मोस्टली यूज होते हैं जब आपको काम करना होता है बैकएंड पे। मैं समझा देता हूं कहां पे, आप SB2 एडमिन पैनल के नाम से एक एडमिन पैनल है, वहां पे जब आप जाएंगे तो यहां पे मेजॉरिटी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स या इसके अलावा हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या बना रहे होते हैं, इनका बैकएंड पे एक एडमिन पैनल भी बना रहे होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ क्यूरीज हैं इस SB2 के ऊपर अप्लाई होती हैं या इसके अलावा एडमिन LTE है या हमारे और भी जितने एडमिन पैनल है या यूजर पैनल है, तो उसके ऊपर ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होती है।
या आपने देखा होगा YouTube के अंदर टोटल नंबर ऑफ वीडियोस कितने अपलोड हो चुके हैं, ये आपकी सारी चीजें होती है ना, ये आपके इसी नंबर ऑफ संभल लें कि काउंट हो गया, सम हो गया, है ना, इन तरह के नंबर ऑफ फार्मूलाज से या फंक्शन से हम चीजों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन SQL के अंदर इनको एग्रीगेट फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीगेट फंक्शन। अब ये देखें यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है ना, कितने डॉलर्स की आप समझ लें सेल हुई है, तो सम करेंगे ना नंबर ऑफ वैल्यूज का, सही है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी स्टॉक में पड़ी है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? काउंट से। कितनी चीजें बेच चुके हो आप, वो आपके किस तरह से मालूम होंगे? इसी तरह से एवरेज सेल क्या है, डे वाइज आप कैसे मालूम करेंगे? सेल का एक कॉलम होगा एवरेज वाला, एग्रीगेट फंक्शन लगा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसी तरह से आपकी एग्रीगेट फंक्शंस, बेशक वो आपको छोटे नजर आ रहे हैं, इनका काम बहुत बड़ा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?